हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब इस समय बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कैंडिडेट्स टेंस्ड होंगे, ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं। मैं भी हुआ करता था, लेकिन मैं खुद को बेफिक्र कर लेता था, बस अपनी प्रिपरेशन और हेल्थ पे ध्यान रखता था। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, और आपको रिलैक्स्ड रहने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, यानी कि आपको नेम लिखना होता है उस टॉपिक का जिस पे आप लिख रहे हैं। उसके बाद आती है बाईलाइन। बाईलाइन में आपको नेम दिए होंगे, क्वेश्चन में नेम दिए होंगे, उसमें से एक नेम आपको लिखना होता है, मेल का भी दिया होगा, फीमेल का भी दिया होगा। उसके बाद है आपको फाइव स्टेप्स में अपना आर्टिकल कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक आता है, जिसमें आपको उसकी मीनिंग और प्रेजेंट स्टेटस लिखना होता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ द टॉपिक इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द टॉपिक प्रॉब्लम इफ़ नोन। फोर्थ स्टेप है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक इफ़ प्रॉब्लम। फिफ्थ है आपका कंक्लूशन विद वार्निंग मैसेज एडवाइस स्टेप्स रिक्वायर्ड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन। अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा है, तो एग्जामिनर बहुत जल्द समझ जाता है कि आपने अंदर कितना अच्छा लिखा होगा। वो बहुत सी चीज़ें भले ना पढ़े, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूशन बहुत अच्छे से पढ़ता है, और यही चीज़ है जो अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वन। तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। अगर उसमें आप शुरुआत करते हैं कोट्स के साथ, अगर आप सबसे पहले कोट्स लिख देते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे अगर टेलीविज़न पे आ जाता है आपका, टेलीविज़न के बैड इफ़ेक्ट्स या गुड इफ़ेक्ट्स पे आ जाता है, या फिर इल इफ़ेक्ट्स ऑफ टू मच टेलीविज़न आ जाता है, तो आप इसके लिए एक कोट लिख दीजिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इन इट्स ईजी प्रोविजन ऑफ रिलैक्सेशन एंड एस्केप टेलीविज़न कैन बी बेनिफिशियल इन लिमिटेड डोजेस, येट वैन द हैबिट इंटरफियर्स विद द अबिलिटी टू ग्रो टू लर्न न्यू थिंग्स to lead an active life, then it does constitute a kind of dependence and should be taken seriously. Yeah, aap dusra easy sa quote likh sakte hain, I find television very educative. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. Ek baar clean city campaign pe aa gaya tha, ya fir aapka clean greener India pe aa jata hai, to aap is tarike se likh sakte hain. Cleanliness and sanitation were closest to Gandhiji's heart. We will launch a Clean India campaign by Gandhiji's 150th birth anniversary. All schools in the country should have toilets with separate toilets for girls. किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा आप इजी सा ये भी लिख सकते हैं, If you can't clean your surrounding, then don't make it dirty. अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम पे आ जाता है इस तरीके से, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो आप लिख सकते हैं अवॉइड द ट्रैफिक बाई यूजिंग वन ऑफ द पार्क्स शटल बसेस एंड व्यू द एल्क रट विद अ पार्क रेंजर। किसने लिखा? नीचे लिखा ही है। गर्ल चाइल्ड पे अगर आ जाता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्माइलिंग फेस ऑफ एवरी लिटिल गर्ल इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, या फिर देयर आर मिरेकल्स एंड ग्लोरी इन एवरी चाइल्ड। या इसके अलावा अगर आपका लाइब्रेरी पे आ जाता है या बुक्स पे आ जाता है, जैसे अ लाइब्रेरी इज़ गुड फॉर ऑल, अ बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड, तो आप लिख सकते हैं आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन अ बुक, या फिर नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एन अनरीड लाइब्रेरी। अलावा अगर हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, या कुछ भी आ जाता है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे, हेल्थ इज़ लाइक मनी, वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट, या फिर सिंपल सा लिख देंगे, गुड हेल्थ इज़ ट्रू वेल्थ। एक और बता देता हूँ, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारे कोट्स आप लर्न कर लेना, इनसे रिलेटेड अगर आ जाते हैं, तो इन कोट्स को आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यूज़ करना, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। चलिए मैं आपको एक आर्टिकल का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, और फिर समझ लेते हैं कि आर्टिकल अच्छे से कैसे लिखा जाता है। इसमें सबसे पहली लाइनों को आप देखिए, आवर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया, ही हैज स्पेशली टेकन एन इनिशिएटिव टू क्लीन द गैंजेस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले टॉपिक को बताया गया है कि वो है क्या। इंट्रोडक्शन में आपको वॉट वर्ड का याद रखिएगा, K
कि आपको बताना होता है वो है क्या, वॉट। ओके, नेक्स्ट में एडवांटेजेस और उसके रिजल्ट वगैरह इसमें दिए हुए हैं। स्टेप्स द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स हैव बीन टेकन, मैनी ऑफ द बेदिंग घाट्स हैव बीन स्प्रूस्ड अप, इन फैक्ट द सिटी ऑफ वाराणसी इटसेल्फ हैज अ न्यू लुक, हाउएवर अ सिमिलर इनिशिएटिव मस्ट हैव बीन टेकन ऑल अलोंग द रिवर फ्रंट इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक कानपुर एंड अलाहाबाद। बीच में हमने एडवांटेजेस उसके बता दिए और उसके बाद अपने सजेशन वगैरह देने होते हैं, यानी कंक्लूशन में आपको बताना है कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल शुड डेवलप द सिविक सेंस, पीपल शुड बी टॉट टू थिंक बियॉन्ड देयर होम्स, दे शुड हैव फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, को इस तरीके से लिखेंगे तो दोस हु डिफेंड द रिवर स्कोर करेंगे, एनजीओस थैंक्स कुड बी रोप्ड इन टू कंट्रीब्यूट टू द क्लीनिंग मिशन। It is the time that we should take concrete measures to receive the ancient glory of India. Our motherland, India, must beckon to other countries to a model of progress and development. Let's build up a clean and green India. Conclusion में आपने बताया कि और क्या क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो इसमें आपने अपने सजेशन दिए। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूशन इस तरह से लिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।